ये कॉटेजेस की एंट्रेंस स्टार्ट होती है। एंट्रेंस से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट जैसे जैसे आगे आ जाते जाओगे बहुत अच्छा लगता जाएगा। ये नॉन सी व्यू कॉटेज हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको सी व्यू मिलेगा। ये इन्होंने पानी के लिए जेट लगाया हुआ है, अगर आपने अंदर जाना है तो अपना पैर वगैरह धो कर जा सकते हैं। ये राइट साइड वाला मेरा कॉटेज है, सी व्यू। ये देखिए व्यू बिल्कुल बीच पर है जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए कॉटेज की तरफ चलते हैं। ये बालकनी है, दो चेयर रखी हुई है, पांच छह चेयर बहुत इजीली आ जाएगी। जस्ट लुक एट द व्यू। बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना रूम्स में। ये हमारा रूम स्टार्ट है। हाँ, अगर आप कॉटेज में रह रहे हैं, सी व्यू रह रहे हैं और बीच पे ही रह रहे हैं तो उसके लिए तो ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ रूम दिखता है। स्पेस अच्छा खासा है। ये देखिए एसी लगा हुआ है, लाइट्स थोड़ा कम है बट इट्स ओके। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी अच्छा स्पेस था, पानी भी गर्म था। और ये बेड से ज़रा आप अपना एक बार व्यू देखिए, जस्ट हैव अ लुक। ये आपका बेड और ये आपका व्यू 24 आवर्स। लहरों की आवाज़, ये देखिए बेड से आपका व्यू। अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग बीच। इंडियंस तो आपको बहुत कम दिखेंगे, बहुत ही कम, सारे फॉरेनर्स दिखेंगे। ये आपका बीच। एक ड्रोन से मैंने वीडियो बनाया है, वो देखना। और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, आई विल आंसर यू। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको ऊपर से हमारा कॉटेज और ये पलोलेम बीच दिखेगा। प्लान कर रहे हो तो आँख बंद करके यहाँ का प्लान करना। ये सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।